पंचमी के अवसर पर श्री राम जानकी विवाह महोत्सव समिति एवं हमारे मुख्य सहयोगी श्री काले हनुमान मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा राम जानकी विवाह उत्सव का यह सप्तम आयोजन किया गया है, जो कल नगरपुरा पटना सिटी भ्रमण करते हुए माता जानकी किया जहां पे चरण पड़ा था श्री भगवती सीता स्थान, बारात लेकर हम लोग गए थे और आज वहां से राम जी और सीता माता का विदाई हुआ है और यहां भव्य स्वागत समारोह किया गया है, जिसमें पूरे नगर समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही सहयोग मिला है। मैं उन सभी का कोटि कोटि नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भंडारे में आए हैं करीब 4-5 हज़ार लोग इस भंडारा में शिरकत किए हैं जी। आज श्री माता जानकी का विदाई करा के हम लोग आए हैं और यहां भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, अखंड श्री सीताराम नाम का संकीर्तन हुआ और उसी क्रम में भंडारा हमारे श्री काले हनुमान प्रबंधक समिति के द्वारा किया गया, जिसमें तमाम नगरवासी आए और प्रसाद ग्रहण किए। हर वर्ष की भांति विगत 6 वर्षों से श्री काले हनुमान जी मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा श्री राम जानकी विवाह महोत्सव मनाया जाता है और श्री काले हनुमान जी मंदिर से श्री राम जी का भव्य बारात विशाल शोभा यात्रा के रूप में बक्सी मोहल्ला माता सीता मंदिर हम लोग जाते हैं और अपने राम जी के बराती बनकर वहाँ के माँ सीता के दरबार के लोगों से सम्मानित होते हुए माँ सीता और राम जी का विवाह होता है। उसके उपरांत एक दिन के उपरांत हम लोग अखंड पाठ करते हैं 24 घंटा का और उसके बाद एक भव्य भंडारा का आयोजन करते हैं, जो कन्या पक्ष और वर पक्ष यानी सीता माता के लोग और रामचंद्र जी के लोग मिलकर एक भव्य भंडारा का आयोजन करते हुए इसमें सभी तमाम भक्त समाहित होते हैं और प्रसाद का लुत्फ उठाते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे विकास मोरीवाल जी का, चूँकि ये राम जानकी विवाह महोत्सव के संस्थापक महासचिव हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहता है और विश्वास दिलाते हैं आशा के साथ कि इसी तरह का धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन से हम पटना साहिब के निवासी लोग सांस्कृतिक और सभ्यता पूर्वक इस परंपरा को आगे निभाएंगे। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।